काबुली चने में निर्यातकों के साथ लोकल मांग निकलने से भाव में तेजी का माहौल बनता दिखाई दे रहा है। दरअसल काबुली चने में निचले स्तरों पर कंटेनर में मांग का दबाव बढ़ने और मंडियों में आवक बेहद कमजोर रहने से भाव में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं वैवाहिक सीजन चलने के कारण घरेलू डिमांड एकाएक बढ़ने के साथ ही निर्यातकों की हर दामों पर खरीदी रहने से तेजी को सपोर्ट मिल रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को काबुली चने में क्वालिटी अनुसार 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी एक कंटेनर में देखने को मिली है। काबुली चना 40/22 13,400, वहीं 42/44 13,200, जबकि 44/46 13,000 और 58/60 12,400 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकता दिखाई दिया है। मंडी में काबुली चने के दाम मजबूत हैं। मंडी में काबुली चना बिचकी 6,700 से 7,100, जबकि एवरेज 7,000 से 11,200, तो वहीं मीडियम क्वालिटी का 11,400 से 12,300 रुपए पर बिकता दिखाई दिया है। चना कांटे में ग्राहकी कमजोर होने के कारण भाव में कुछ नरमी जरूर देखने को मिली थी। चना कांटा 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता दिखाई दिया है। हालांकि बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा मंदी की गुंजाइश कम है, क्योंकि बेसन और चने दाल में वैवाहिक डिमांड अच्छी बनी हुई है। उधर तुअर में भी निचले दामों पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तुअर महाराष्ट्र सफेद 7,200 से 7,500, जबकि कर्नाटक तुअर 7,500 से 7,800 और निमाणी तुअर 6,600 से 7,000 रुपये प्रति क्विंटल पर कारोबार करती दिखाई दी है। उड़द, मूंग, मसूर और दालों में फिलहाल काम का सामान्य देखने को मिला है। ऐसे में बाजार जानकार मानकर चल रहे हैं कि निर्यातकों की मांग बढ़ने से चने की कीमतों में फिलहाल तेजी जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।